नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं देश के नंबर वन चैनल का नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात उस रिपोर्ट की जिसने 31 देशों को हमले के लिए तैयार कर दिया है। रूस के अलग अलग हिस्सों में एक सायरन बजा, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, अनाउंसमेंट होने लगा रूस पर परमाणु हमले का खतरा है और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे 24 घंटे तक कांपता रहा रूस। और पूरा रूस सहम गया, जो जहां था वहीं रुक गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। रूस में टेलीविजन और रेडियो पर आ रहे कार्यक्रम अचानक बंद हो गए। बस एक ही अनाउंसमेंट होने लगा, आपके शहर पर परमाणु हमले का खतरा है। चेतावनी प्रणाली की जांच की जा रही है, कृपया शांत रहें। स्कूलों में मौजूद बच्चे सावधान हो गए। चंद सेकंड में सभी बच्चों के चेहरे पर गैस मास्क चढ़ गए। आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोग खतरनाक सूट पहनकर सड़कों पर उतर आए। एक ग्रुप कुत्तों के एक झुंड के साथ एक स्ट्रेचर पर एक डेड बॉडी को लिए इमारत से भागा। भूमिगत बंकर को बंद कर दिया गया। फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझाने के लिए दौड़े। एम्बुलेंस के साथ बचाव टीमें बिना देरी किए अपने काम पर लग गई। रूस की सड़क के किनारे खतरे के निशान भी गाड़ दिए गए। टीवी रेडियो के साथ साथ गली मोहल्लों में लगे लाउड स्पीकरों से वही आवाज गूंजने लगी। सुना आपने, रूस के कोने कोने में कैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले संदेशों का सीधा प्रसारण किया गया है। परमाणु हमले का खौफ भरने वाले इस प्रसारण के साथ साथ परमाणु हमले से कैसे बचना है, इसका भी रूस में अभ्यास किया गया। रूस में इस अभ्यास को ये मानकर किया गया कि 70% रूस पर न्यूक्लियर खतरा है। रूस के 70% लोग रेडिएशन की जद में है। सिर्फ इतना ही नहीं, लाइफ 7 फैसिलिटी भी परमाणु हमले में तबाह हो चुकी है। रूस ने इस अभ्यास को ये मानकर किया कि अमेरिका, नाटो देशों ने रूस पर परमाणु हमला कर दिया है। इस अभ्यास को रूस के सभी 11 टाइम जोन में एक साथ किया गया। दुनिया के कुल 24 में से रूस में 11 अलग अलग टाइम जोन है। 11 अलग अलग टाइम जोन के चलते रूस में एक ही समय पर आधे देश में दिन तो आधे देश में रात होती है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद सभी 11 टाइम जोन में एक साथ परमाणु हमले से बचने का अभ्यास किया गया। यह रूस का ऐसा परमाणु युद्ध अभ्यास था जैसा अब तक कभी नहीं हुआ। रूस ने पहली बार पूरे देश में परमाणु युद्ध अभ्यास किया। न सिर्फ परमाणु हमले से बचने का अभ्यास किया, बल्कि परमाणु हमले का जवाब कैसे देना है इसका भी अभ्यास किया गया। काला सागर में रूस के युद्धपोत से ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से प्रहार की प्रैक्टिस। न्यूक्लियर बॉम्बर में परमाणु हथियार लोड करके हमला करने का अभ्यास। बाल्टिक सागर में रूस की सबमरीन में परमाणु पोसाइडन के साथ युद्ध का अभ्यास। आर्कटिक सागर में मौजूद रूस की सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग। रूस की धरती से दुश्मन देश को तबाह करने वाली मिसाइल की टेस्टिंग। पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट में रूस में भी सनसनी मची हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नाटो ने एक ऐसा वॉर प्लान तैयार किया है जिसमें 48 घंटे में रूस का जर्रा जर्रा जल सकता है।
इसकी एक झलक उस वक्त मिली जब मॉस्को में टीवी पर कार्यक्रम के बदले परमाणु हमले का इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। इस अनाउंसमेंट को सुनते ही मॉस्को में सनसनी फैल गई। जो कार में था वो अपने कार की स्पीड बढ़ाकर जल्द से जल्द किसी बम शेल्टर तक पहुंचने की कोशिश में लग गया। इस अनाउंसमेंट के दौरान ही रूस की सीक्रेट सर्विस एक्टिव हुई। जांच पड़ताल में पता लगा कि इस अलार्म का दूर दूर तक सच से कोई वास्ता नहीं है। पड़ताल में पता चला हैकरों ने मॉस्को और सेवरोडोनेस्क में टीवी और रेडियो को हैक कर लिया है। ना सिर्फ हैक किया है बल्कि रूसी प्रसारण को हाईजैक कर लिया है। हाईजैक कर हैकर सिर्फ परमाणु हमले की चेतावनी प्रसारित कर रहे थे। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और अमेरिका में सीधी जंग के आसार बढ़ गए हैं। रूस अमेरिका की सबमरीन आमने सामने आ सकती है। रूस के खिलाफ पूरा नाटो एक साथ हमला बोल सकता है। पश्चिमी मीडिया के दावे के मुताबिक नाटो दो दिन यानी 48 घंटे के भीतर रूस को नक्शे से मिटा देगा। 48 घंटे के अंदर रूस की सेना का समूल नाश हो सकता है। 48 घंटे में नाटो रूस के सभी हथियारों को बर्बाद कर सकता है। और तो और, दावे के मुताबिक 48 घंटा में दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियारों वाले रूस के सभी परमाणु बमों की भी बत्ती गुल हो सकती है। यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन ने कई मौकों पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। कई मौकों पर परमाणु ध्वस दिखाकर डराने की कोशिश की है। लेकिन पूर्व ब्रिटिश सेना अधिकारी निकोलस ड्रमंड ने चेतावनी दी है कि अगर पुतिन परमाणु हमले की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसका रूस के लिए विनाशकारी परिणाम होगा। निकोलस ड्रमंड ब्रिटिश सेना के अधिकारी रहे हैं। अभी वो युद्ध विशेषज्ञ के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर है। नाटो में उन्हें उम्दा रक्षा उद्योग विश्लेषक भी माना जाता है। उसी निकोलस ड्रमंड का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन में परमाणु हमला कर देता है तो परमाणु हमले के 48 घंटे के अंदर नाटो रूस को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। नाटो की इस चेतावनी के पीछे की वजह पुतिन की धमकी को माना जा रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को अपने परमाणु घेरे में ले रखा है। रूस में छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु बम तैनात हैं। रूस के परमाणु बम बेलारूस में एक्टिव हो गए हैं। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बम क्राइमिया में लगे हुए हैं। रूस के परमाणु हथियार काला सागर में मौजूद हैं। रूस के परमाणु बम बाल्टिक सागर में भी होने का दावा है। रूस की तरह ही कालिनिनग्राद में भी छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु हथियार लगे हुए हैं। अगर अपने इस न्यूक्लियर गेम को पुतिन ने अंजाम तक पहुंचाया तो पूरे यूरोप का गेम ओवर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया ऐसा धमाका देखी, ऐसी तबाही की गवाह बनेगी, ऐसा खौफनाक मंजर पूरी पृथ्वी पर छा जाएगा जिसकी बराबरी हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु धमाके मिलकर भी नहीं कर पाएंगे। रूस से पोलैंड पर सिर्फ 3 मिनट में प्रहार हो सकता है। रूस से बेल्जियम 7 मिनट में हमला हो सकता है। रूस से जर्मनी पर 10 मिनट के अंदर परमाणु हमला हो सकता है। इटली तक सिर्फ 11 मिनट में रूस का परमाणु बम पहुंच जाएगा। ऐसे में अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुमान के मुताबिक यूरोप में फिलहाल 5 देशों में अमेरिका के करीब 100 परमाणु बम मौजूद हैं।
इजराइल ने वो काम किया है जिसकी उम्मीद आज से पहले किसी को नहीं थी। ये खबर चौंकाने वाली है कि इजराइल ने अजरबैजान को आर्मेनिया के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार सप्लाई किया। इजराइल ने पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान के लिए अपने हथियारों का गोदाम क्यों खोल दिया? क्या इजराइल को ऐसा करने के लिए अमेरिका ने कहा कि अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की रिपोर्ट पर इजराइल ने ऐसा किया? इन सवालों का जवाब डिटेल में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चार हजार चार सौ स्क्वायर किलोमीटर जमीन, 200 आर्मेनियाई फोर्स कुर्बान। फिर भी नहीं बचा पाया आर्मेनिया नाकोर्नो काराबाख। अजरबैजान को इजराइल वाला मिल गया देवदूत। आर्मेनिया की हार से आज पड़ोसी पाकिस्तान भी है खुश। आर्मेनिया को हारना ही था, यह हार पहले से तय थी। विश्व के मानचित्र पर भी नागोर्नो काराबाख दुनिया की नजरों में अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ इजराइल की क्या भूमिका रही? आर्मेनिया के हार में, अजरबैजान की जीत में, इजराइल ने अजरबैजान को वो कौन सी मदद दी जिसने अजरबैजान को रातों रात नागोर्नो काराबाख पर कब्जा करने की ताकत दे दी? अजरबैजान के सैनिकों का जोश हाई कर दिया, उनकी सामर्थ्य बढ़ा दी। इसकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर होगी, लेकिन उससे पहले इजराइल वाली अजरबैजान की दोस्ती देख लेते हैं, क्योंकि इस दोस्ती में ही आर्मेनिया की हार पक्की थी। इस दोस्ती में इजराइल ने अजरबैजान को बोरे में भर भर कर हथियार सप्लाई किया। इन हथियारों की सप्लाई इजराइल ने तब की जब 19 सितंबर से अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ 24 घंटे हमले करने शुरू किए, जब अजरबैजान को हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और उसी वक्त यानी सितंबर महीने में इजराइल ने अजरबैजान को हैवी आर्टिलरी, रॉकेट लॉन्चर्स और ड्रोन सप्लाई किया। इन हथियारों के दम पर अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख पर कब्जा किया। आर्मेनियाई अलगाववादियों को हथियार छोड़कर वार्ता के टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया। आर्मेनियाई अलगाववादियों के पास अजरबैजान आर्मी के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इजराइल ने अजरबैजान का काम आसान कर दिया। It's a huge human tragedy that's unfolding just in front of our eyes, and it certainly deserves much more attention than it gets. If you ask about Israel's involvement, of course Israel is not involved directly in any way, but there is a very strong military, strategic and intelligent partnership between Israel and Azerbaijan, and Azerbaijan is one of the major weapons suppliers for Azerbaijan, Israel, I mean. इजराइल ने अजरबैजान का क्यों दिया साथ? इजराइल अजरबैजान के बीच क्या डील हुई है? अमेरिका ने इजराइल को अजरबैजान पर क्या कहा? बेन्यामिन नेतन्याहू के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? और एक सवाल ये कि अजरबैजान की जीत पर पाकिस्तान इतना क्यों इतरा रहा है? इन सारे सवालों का जवाब आपको विस्तार में दिखाएंगे। इजराइल के अजरबैजान से ताल्लुकात की पूरी स्टोरी आपके सामने होगी, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इजराइल जैसे शक्तिशाली देश को अजरबैजान जैसे देश की जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब बहुत सीधा सा है, तेल। ये तेल है जिसने इजराइल और अजरबैजान को एक दूसरे से जोड़ दिया है। इजराइल को तेल चाहिए क्योंकि खाड़ी में खड़े होकर भी इजराइल को अजरबैजान का तेल चाहिए। इजराइल में अजरबैजान के राजदूत मुख्तार ममादो ने जो कहा है वो आपको भी जरूर सुनना चाहिए। Over the course of these 35 years, we were able to develop quite close partnership with Israel, which we consider as a strategic partnership, cooperation in various fields. Back in the 90s, it started with energy cooperation. Azerbaijan started about 25 years ago providing oil supplies. Now we provide up to 40% of oil demand of Israel, still going on. इजराइल में अजरबैजान के राजदूत मुख्तार ममादो बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं कि इजराइल ने उनके देश को चुपके से हथियार सप्लाई किया, लेकिन क्या इजराइल ने यह मदद बिना किसी दबाव के कर दिया?
या इसके पीछे उसकी कूटनीति है जो सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश के साथ उसकी बढ़ती नजदीकियों में भी दिख रही है। इसराइल की इस वक्त दुनिया के प्लेटफॉर्म पर एक कोशिश दिख रही है कि वो सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश और अजरबैजान जैसे मुस्लिम बहुल देशों से दोस्ती करे ताकि उसे ईरान के खिलाफ मदद मिले। पांच अप्रैल को कुछ फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी अल अक्सा मस्जिद में घुस गए थे और उन्हें निकालने के लिए इसराइल की पुलिस ने मस्जिद के अंदर घुसकर कार्रवाई की थी। इस्लाम के पवित्र जगहों में से एक है अल अक्सा मस्जिद, लिहाजा मुस्लिम देशों ने इसराइल को धमकी तक दे डाली, कार्रवाई की धमकी। जॉर्डन ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से इसी तरह हमला जारी रहता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस मुद्दे पर सभी इस्लामिक देशों को एकजुट होने की अपील की। सऊदी अरब, यूए, कतर, कुवैत समेत इस्लामिक देशों ने बयान जारी कर इसराइल पर मस्जिद की पवित्रता भंग करने का आरोप लगाया। ईरान ने भी इसराइल के खिलाफ इस मौके का फायदा उठाया। इसराइल की अरबों के बीच स्थिति 32 दांतों के बीच एक जुबान जैसी है। वो मुस्लिम देशों से लड़ता रहा है, लेकिन अब जबकि सऊदी अरब जैसा प्रभावकारी मुस्लिम देश उसके साथ आने के लिए तैयार है तो अजरबैजान जैसे मुस्लिम बहुल देश के साथ इसराइल खड़ा है। और इससे भी बड़ी बात की सऊदी अरब के साथ भी अमेरिका खड़ा है और अजरबैजान को भी चुपके से समर्थन देने की बात उठ चुकी है, जबकि अमेरिका खुलकर आर्मेनिया का समर्थन करते दिखा है। लेकिन अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब, अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्की के रिश्तों की चर्चा आगे करेंगे। अभी उस 4,400 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को पहचान लीजिए जिसे नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र कहते हैं। अजरबैजान ने 19 सितंबर को आर्मेनिया के कब्जे वाले नागोर्नो काराबाख इलाके में अलगाववादियों के खिलाफ हमला कर दिया था। 4,400 स्क्वायर किलोमीटर के इस इलाके पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी अजरबैजान का अधिकार मानती है, लेकिन 1990 के दशक से इस इलाके पर आर्मेनिया का एक तरह से अधिकार था। नागोर्नो काराबाख में मौत की आंधी चली, 200 से ज्यादा आर्मेनियाई सेना की मौत की खबर आई। कई दिनों तक यह इलाका अजरबैजान के हमले से दहलता रहा। इसके 1,20,000 निवासी मुख्य रूप से आर्मेनियाई जाति के हैं। आर्मेनियाई जो ईसाई हैं, इस क्षेत्र में ईसा के कई शताब्दियों पहले की लंबी उपस्थिति का दावा करते हैं। वहीं अजरबैजान, जिसके निवासी ज्यादातर तुर्क मुस्लिम हैं, इस क्षेत्र के साथ गहरे ऐतिहासिक संबंधों का दावा करते हैं। ऐसे में दोनों देशों के लोग इसे लेकर एक सदी से भी ज्यादा समय से संघर्ष कर रहे हैं। इसराइल के अजरबैजान की मदद की सूरत में आर्मेनिया को किसी का साथ नहीं मिला, यहां तक कि रूस ने भी उससे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि उनका देश रूस के ऊपर सुरक्षा के गारंटर के रूप में भरोसा नहीं कर सकता है। रूस अमेरिका दुश्मन है और इसराइल से भी रूस की नहीं पड़ती, लेकिन रूस ने मदद नहीं की जबकि ये पूरा इलाका रूस के प्रभाव वाला है। नागोर्नो काराबाख पर हमने आपको बताया कि इंटरनेशनल बिरादरी इस इलाके पर अजरबैजान का अधिकार मानती है, लेकिन नागोर्नो काराबाख पर जब अजरबैजान ने हमला कर दिया तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में अजरबैजान की सैन्य कार्यवाही अस्वीकार्य है, इससे मानवीय स्थिति और खराब होने का खतरा है, मौजूदा संघर्ष को खत्म करने और सीधी बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री का यह बयान कागजी निकला। अजरबैजान ने आखिरकार आर्मेनिया के प्रभुत्व वाली जमीन पर अपनी संप्रभुता वाला झंडा गाड़ दिया। हालांकि युद्ध में जीते गए इस इलाके पर अजरबैजान कब तक कब्जा रख पाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त इस लड़ाई के चलते यूएन के मुताबिक करीब 1,00,000 लोग नागोर्नो काराबाख छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। लोग पलायन कर आर्मेनिया जा चुके हैं। यूएन का कहना है कि पिछले 30 सालों में इस इलाके से इतना बड़ा पलायन नहीं हुआ है। रूस यूक्रेन महायुद्ध से बड़ा शरणार्थी संकट अब और गहराता जा रहा है। आगे आपको बताएंगे कि आर्मेनिया अजरबैजान की जंग का इतिहास क्या है। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ नक्शे पर भले ही दो देश दिखें, यहाँ की लड़ाई के एंगल कई हैं। सिर्फ इसराइल ही नहीं, तुर्की भी अजरबैजान को मदद कर रहा है। तुर्की अजरबैजान का बहुत करीबी मित्र है और यहीं पाकिस्तान की एंट्री होती है। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ने 2021 में 3 ब्रदर्स रक्षा अभ्यास शुरू किया था।
लिहाजा पाकिस्तान अजरबैजान की जीत से खुश है, लेकिन यह खुशी कब तक कायम रहेगी कह पाना मुश्किल है। रूस इस वक्त जंग में नहीं फंसा होता तो शायद तस्वीर दूसरी होती, और इसकी कोई गारंटी नहीं दिखती कि आर्मेनिया पलट के अजरबैजान के खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। नागोर्नो काराबाख अपनी आजादी के लिए लगातार लड़ता रहा है, यही वजह है कि इससे पहले भी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध हो चुका है। पहला एनआईए ने खालिस्तानी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया है। दाऊद इब्राहिम आईएसआई और गैंगस्टर के बीच एक ऐसे गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। न्यूज 18 इंडिया को एनआईए की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मिली है जिसमें कराची से कनाडा तक खालिस्तानी नेटवर्क कैसे काम कर रहा है इसकी पूरी डिटेल बताई गई है। आप भी देखिए खालिस्तान नेटवर्क से जुड़ी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खालिस्तानियों का पर्दाफाश, एनआईए को मिला मास्टरमाइंड। गैंगस्टर और आतंकियों का गठजोड़, तबाह होंगे खालिस्तानी। खालिस्तानियों के अड्डे में एनआईए, आईएसआई, दाऊद बेनकाब। खालिस्तानी नेटवर्क की एक एक परत का खुलासा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने कर दिया है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हकीकत में खालिस्तानी नेटवर्क भारत से कनाडा तक ऐसे ही नहीं फैला है। पता चला है कि खालिस्तानी नेटवर्क को बनाने में और उसका जाल बिछाने में पाकिस्तान की आईएसआई और दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ने बड़ी मदद की है, लेकिन अब एनआईए ने ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई की है कि खालिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। खालिस्तानी आतंकियों पर एनआईए का एक्शन शुरू क्या हुआ, कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक में हलचल शुरू हो गई। एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकी और कनाडा से लेकर ब्रिटेन समेत विदेशों में सक्रिय खालिस्तानी आतंकियों में खौफ का माहौल है। खालिस्तानी आतंकियों के एक एक राज को एनआईए परत दर परत खोल रही है। खालिस्तानी आतंकियों को किस देश और संगठन से आर्थिक मदद और हथियार मिल रहे हैं उसका लगातार पर्दाफाश हो रहा है, और इन सबके बीच एनआईए ने पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों के अलावा डी कंपनी से खालिस्तानी आतंकियों के गठजोड़ का राज खोल दिया है। दुनिया भर में फैले खालिस्तानी आतंकवादी और गैंगस्टर गठजोड़ की पटकथा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लिखी है। आतंकियों के साथ दाऊद इब्राहिम के आपराधिक नेटवर्क के आधार पर आईएसआई ने इसकी शुरुआत की है। डी कंपनी के नेटवर्क में स्थानीय अपराधी, गैंगस्टर से लेकर एक्टर, संगीतकार और नेता तक शामिल है। बाद में इसी नेटवर्क की बदौलत सुपारी से लेकर हत्या, हत्या से लेकर जमीन पर कब्जा करना या फिर हथियारों के स्मगलिंग आम बात हो गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को खालिस्तान आतंकी अपराधी गठजोड़ की जांच के दौरान यह प्रतीत हुआ कि यह पूरा नेटवर्क दाऊद इब्राहिम की कंपनी डी कंपनी के आधार पर तैयार किया गया है। लिहाजा एनआईए ने अपने दस्तावेजों में डी कंपनी और इस नेटवर्क को एक साथ जोड़कर भी देखा। खालिस्तान आतंकवादी अपराधी गठजोड़ की जांच के दौरान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को खालिस्तानी नेटवर्क में लगी डी कंपनी की भूमिका नजर आ रही है। कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ जो आतंकवादी अपराधी गठजोड़ की कड़ियां मिलकर रची थी वो अब अंडरवर्ल्ड से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को खालिस्तान अपराधी आतंकी गठजोड़ के मामले की जांच के दौरान यह भी पता चला है कि यह पूरा गठजोड़ डी कंपनी के आधार पर तैयार किया गया है। लिहाजा उसने अपने दस्तावेजों में खालिस्तान नेटवर्क को मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से भी जोड़कर देखा। एनआईए ने खालिस्तान आतंकवादी अपराधी गठजोड़ के मामले में अपनी जांच दस्तावेज में साफ तौर पर लिखा है कि यह गठजोड़ 90 के दशक की शुरुआत में मुंबई के गैंगस्टरों के साथ यानी डी कंपनी के साथ काफी समानताएं रखता है। नेशनल
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने खालिस्तान नेटवर्क का जो पर्दाफाश किया है वो हैरान करने वाला है। हम आपको खालिस्तानी नेटवर्क पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो सिर्फ न्यूज 8 इंडिया के पास है। एनआईए की रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया है उसके हिसाब से भारत से लेकर कैनेडा तक और कैनेडा से लेकर पाकिस्तान तक खालिस्तान नेटवर्क की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। अब इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे खालिस्तान नेटवर्क भारत के लिए चुनौती बन चुका है, कैसे ये चैलेंज बन चुका है। एक एक करके हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। एक तरफ देखिए, सबसे पहले दाऊद की डी कंपनी खालिस्तानियों और उनके भारत में मौजूद गैंगस्टरों से ये जुड़ा हुआ है, जो कि दरअसल खालिस्तानी नेटवर्क को भारत से लेकर विदेशों में फैलाने की कोशिश में है। और इसके अलावा आपको बता दें कि भारत में मौजूद तमाम गैंगस्टर जिनकी मौजूदगी भारत में है, देखिए भारत के जो गैंगस्टर्स हैं वो खालिस्तानी नेटवर्क के लिए काम कर रहे हैं। और एनआईए की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि जिस तरह से डी कंपनी का नेटवर्क पाकिस्तान की आईएसआई ने फैलाया था, ठीक उसी तरह से अब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और आईएसआई के एजेंट मिलकर खालिस्तान का नेटवर्क भारत से लेकर विदेशों तक फैला रहे हैं। यानी खालिस्तानी नेटवर्क इस वक्त भारत में साजिश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान में छिपा बैठा दाऊद इब्राहिम और कनाडा में बसे हुए जो खालिस्तानी हैं सभी खालिस्तानी नेटवर्क से एक साथ जुड़े हुए हैं। एनआईए को अपनी जांच में यह पता चला है कि भारत में मौजूद तमाम गैंगस्टर्स कैसे खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़ गए हैं। दावा किया गया है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में मौजूद गैंगस्टर्स के गैंग खालिस्तानी नेटवर्क के लिए काम कर रहे हैं। एनआईए को जांच में पता चला है कि टिल्लू ताजपुरिया, नवीन वाली, नीरज भवाना, कौशल चौधरी ने शुरू में गुड़गांव में अपना गिरोह बनाया और ये गिरोह रियल स्टेट में भी शामिल था और बाद में उन्होंने खुद को गैंगस्टर आतंकवादी में बदल लिया। जांच में ये बात सामने आई कि जिस तरह से मुंबई के गैंगस्टर सीमा पार की खुफिया एजेंसी से बातचीत कर रहे थे, ठीक उसी तरह से मौजूदा आतंकवादी गैंगस्टर गठजोड़ भी सीमा पार की खुफिया एजेंसी के इशारे पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। दाऊद ने जिस तरह से हथियार और ड्रग्स को अपनी आय के साधनों में शामिल किया, उसी तरह से खालिस्तान गठबंधन भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मदद से हथियार और ड्रग्स की पंजाब और आसपास के इलाकों के रास्ते ड्रग्स और हथियार मंगा रहा है और उन्हें पूरे भारत में फैला रहा है। खालिस्तानी नेटवर्क और गैंगस्टर का गठजोड़ आतंकवादी गतिविधियों से लेकर सांप्रदायिक दंगे कराने में शामिल है। दस्तावेजों के मुताबिक खालिस्तान आतंकी अपराधी गठजोड़ की जांच के दौरान यह भी पाया गया कि पंजाब के कुछ राजनीतिक लोग, वहाँ के संगीत उद्योग से जुड़े हुए कुछ लोग, वहाँ के कुछ कबड्डी खिलाड़ी आदि भी इस नेटवर्क में कथित तौर पर शामिल पाए गए। साथ ही इस नेटवर्क का सीधा संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी पाया गया, जैसा कि डी कंपनी नेटवर्क में पाया जाता था। हम आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में एनआईए ने खालिस्तानियों पर चारों तरफ से नकेल कसी है। जांच एजेंसियों का विदेश के साथ साथ देश में भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक पिछले 10 से 15 दिनों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली के करीब 50 जगहों पर ये छापेमारी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी चरमपंथियों से जुड़े गैंगस्टर्स के हवाला ऑपरेटर्स और लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर की धरपकड़ के लिए पंजाब में 30, राजस्थान में 13, हरियाणा में 4, उत्तराखंड में 2 और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एक एक ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि खालिस्तानी नेटवर्क को पैसा और मदद किस तरह से मिलती है, जरा ये भी जान लीजिए। एनआईए ने खालिस्तानी नेटवर्क पर जो पर्दाफाश किया है वो कई मायनों में हैरान करने वाला है। एनआईए को अपनी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि खालिस्तानी नेटवर्क को रियल स्टेट से पैसा मिल रहा है। दावा ये भी किया गया कि धमकी और गैंगस्टरों के जरिए रियल स्टेट से पैसे की उगाही की जा रही है और इसका पैसा खालिस्तानी नेटवर्क को भेजा जा रहा है। खालिस्तान आतंकियों ने रियल स्टेट में पैसा लगाया और इसके साथ ही धमकी देकर वसूली करना। देखिए हम आपको ग्राफिक्स की मदद से एक एक करके बताते हैं। रियल स्टेट से पैसा यहां वसूला जा रहा है, इसके अलावा धमकी देकर भी वसूली की जा रही है। सुपारी, अवैध कब्जे से पैसे की वसूली की जा रही है, जमीन पर कब्जा जमाना भी शुरू कर दिया गया है और कई गैंगस्टरों ने हरियाणा, पंजाब के कई शहरों में देखिए अवैध कारोबार भी शुरू कर दिए हैं। खालिस्तान नेटवर्क से जुड़े गैंगस्टर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से दरअसल ड्रोन के जरिए, आपको बता दें कि यहां पर हथियार और ड्रग्स हासिल करने में जुटे हुए हैं। हम आपको ग्राफिकली बता रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आप समझ सकते हैं कि एनआईए को अपनी जांच में क्या क्या पता चला। एनआईए को अपनी जांच में यह भी पता चला कि खालिस्तानी नेटवर्क दरअसल, आप देखिए यहां
फिल्म अभिनेता और आपको बता दें कि संगीतकार और राजनेताओं से भी पैसे जुटाने में लगा हुआ है। और कुछ संगीतकारों के बारे में जानकारी ये सामने आई है कि वो सीधे सीधे खालिस्तानी नेटवर्क के लिए काम कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी खालिस्तानी नेटवर्क को अपनी कंपनी की तरह बना चुकी है, जो हर तरह से पैसा जुटाने में लगा हुआ है। भारत से लेकर विदेश तक खालिस्तानी नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ की कड़ियां दाऊद की जो डी कंपनी है उससे इस कदर मिलती जुलती नजर आ रही है, जिससे ये साफ एहसास होता है कि इस गठजोड़ की नींव रखने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ साथ दाऊद का भी हाथ है।